हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने का सबसे इजीएस्ट मेथड है पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाना। तो उसके लिए आप सिंपल सा अपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन कीजिए और फाइल में जाइए या सबसे बेस में जाइए। उसके बाद आप जहाँ से सेव करना चाहते हो आप वहाँ पर सेव कीजिए। यहाँ पर आप पाथ चूज कर लीजिए, फाइल का नाम दे दीजिए जैसे मैंने दे दिया माय पैराग्राफ। और उसके बाद आप टूल्स पे आ जाइए, यहाँ पे आप जनरल ऑप्शन को चूज़ कीजिए और यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है ये पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर कीजिए। तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड डाल देता हूँ और उसके बाद आप पासवर्ड को यहाँ पे री एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे आप ओके कीजिए, यहाँ पे और एक बार पासवर्ड को एंटर कीजिए, उसके बाद फिर से ओके कीजिए, यहाँ पे आप और एक बार री एंटर कीजिए, यहाँ पे ओके में प्रेस कीजिए और यहाँ पे आप सेव कर दीजिए। तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो चुका है। तो अगर आप दोबारा अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो पहले ही आपसे पासवर्ड मांगेगा। अगर आपके पास पासवर्ड है इसका तो ही आप यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर सकते हो, तो आप इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैंने एक रॉन्ग पासवर्ड दिया और इसके बाद मैं ओके में प्रेस करता हूँ तो ये मुझे शो कर रहा है दिस पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। तो ये हमारा पासवर्ड प्रोटेक्टेड वर्ड फाइल बन चुका है। मैं इसे वापस से बंद करता हूँ, मैं इसे ओपन करता हूँ, रीओपन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे सही पासवर्ड दूंगा और उसके बाद मैं ओके में प्रेस करूँगा और यहाँ पे कंफर्म के लिए आपको री एंटर करना पड़ेगा पासवर्ड और उसके बाद ओके में प्रेस कीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अनलॉक हो चुका है। तो वैसे अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर कर सकते हो, पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।